सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। आप में से किस किसने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो पहले के अधिकतर फाइटर्स थे उनकी रफ्तार आज के कई सारे मॉडर्न फाइटर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। एग्जांपल के तौर पर जो MiG-29 है उसकी रफ्तार है Mach 2.25। इसी तरीके से अगर बात करें MiG-23 की तो उसकी रफ्तार भी Mach 2.35 थी। और इतना ही नहीं बल्कि अपना F-16 किलर MiG-21 जो कि थर्ड जनरेशन का फाइटर होने के साथ साथ एक सिंगल इंजन फाइटर भी है तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो तक Mach 2.05 तक है। और वहीं अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के लेटेस्ट फ्रंटलाइन फाइटर डसॉल्ट रफाल की तो उसकी मैक्सिमम स्पीड है Mach 1.8। और अगर बात करें LCA तेजस की तो वो भी मैक्सिमम Mach 1.6 की रफ्तार के साथ ही आता है। और बात केवल इन दोनों फाइटर्स की नहीं है बल्कि अगर आप देखेंगे तो आज के समय के जो अधिकतर फोर्थ या फोर प्लस जनरेशन के फाइटर्स हैं तो उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो पहले वाले फाइटर्स के कंपैरिजन में अब काफी कम हो गई है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि फाइटर जेट्स की जो स्पीड है अब उसे उतना नहीं रखा जाता जितनी पहले हमें देखने को मिलती थी। तो चलिए आज के एपिसोड में इन्हीं सब कारणों के बारे में बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस एपिसोड में दी गई सारी जानकारी लिखित में चाहिए तो ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com पर पब्लिश किया गया है, उसमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब इसी नोट के साथ आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर और जानते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से आज के समय में फाइटर जेट्स की रफ्तार हमें उतनी देखने को नहीं मिलती है जितनी पहले होती थी। तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो है फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी। तो देखिए, एविएशन के शुरुआती दिनों में होता यह था कि फाइटर एयरक्राफ्ट की जो रफ्तार थी तो वो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक मानी जाती थी और उसे एक तरीके से फाइटर जेट के डिफेंसिव सिस्टम के तौर पर भी कंसिडर किया जाता था। और इसी वजह से डिजाइनर्स यही कोशिश करते थे कि वे अपने फाइटर्स में बड़े साइज के पावरफुल इंजन्स लगाएं ताकि उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट से तेज जा सके। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय जो अधिकतर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए गए तो वो रिकॉनसेंस पर्पस के लिए थे और उस समय अगर किसी एयरक्राफ्ट को एलिमिनेट करना होता था तो अधिकतर हैंड गन्स का ही इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसी स्थिति में जिस एयरक्राफ्ट के पास ज्यादा स्पीड थी तो उसके पास अपने दुश्मन के कंपैरिजन में एक ज्यादा एडवांटेज रहता था। और उस समय एयरक्राफ्ट की जो एक एवरेज स्पीड हुआ करती थी वो करीब 200 किलोमीटर पर आवर थी। और फिर जब धीरे धीरे फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए वो वर्ल्ड वॉर वन में इस्तेमाल हुए एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में और ज्यादा फास्टर थे। और इसका एक बहुत ही शानदार एग्जांपल भी है ब्रिटेन का ट्विन इंजन डी हैवीलैंड मॉस्किटो, जिसे ब्रिटिशर्स ने जर्मन फाइटर्स को भगाने के लिए बनाया था। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उस समय रफ्तार इतनी मायने रखती थी कि इस एयरक्राफ्ट में कोई गन भी नहीं थी। और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते जो फाइटर जेट्स थी उनकी टेक्नोलॉजी और इवॉल्व होनी स्टार्ट हो गई थी। और फिर जिसके बाद MiG-15, F-86 सेबर, फॉलन जीनेट, तो ये वो फर्स्ट जनरेशन के फाइटर्स थे जिनकी टॉप स्पीड Mach 0.9 तक पहुंची थी। और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो फिर F-4 फैंटम, F-100 सीरीज के फाइटर्स, इंग्लिश इलेक्ट्रिक, MiG-21, तो इस तरह के सुपरसोनिक रफ्तार वाले फाइटर्स विकसित हुए जिनकी क्रूजिंग स्पीड ही उनकी जनरेशन के पहले वाले फाइटर्स के कंपैरिजन में दो गुना थी। लेकिन फाइटर्स की जो रफ्तार है ये महत्वपूर्ण तभी तक बनी रही थी जब तक कि फाइटर्स की भी जो डॉग फाइट होती थी उसमें केवल कैनन्स का ही इस्तेमाल होता था। पर जैसे ही एयर टू एयर मिसाइल्स विकसित हुई तो फिर उसने इन सारी चीजों को बदल के रख दिया। और इसलिए इसका दूसरा कारण है डॉग फाइट। लेकिन इस पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले आज हम आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी एक ऐसी खास बुक समरी रिकमेंड करने वाले हैं जिसमें आपको इस वॉर की शुरुआत से लेकर इसके अंत तक की सारी जानकारी तो मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि उस समय एयरक्राफ्ट की जो भूमिका रहती थी वो किस तरीके से होती थी। और अगर आप उनमें से हैं जिन्हें बुक पढ़ना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से उस बुक की जानकारी मिले तो आप भारत के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म Kuku FM को जरूर ट्राई कर सकते हैं और जिसका इस्तेमाल करके आप सेकंड वर्ल्ड वॉर की इस बुक समरी को कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। और अभी के लिए इसमें एक बेहद ही खास ऑफर चल रहा है और वो ये है कि अगर आप हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा 50% डिस्काउंट के साथ, जो कि होगा केवल ₹199 पर एनम। तो अगर आप इस कमाल के प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इनकी मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र ₹199 पर एनएम के रेट के साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद कमाल के प्रीमियम कंटेंट को अनलॉक करके अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रहे, 50% डिस्काउंट वाला जो ऑफर है ये केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। और वापस आते हैं हमारे डॉग फाइट वाले मेन पॉइंट पर। तो होता यह है कि आज के समय के जो मॉडर्न फाइटर्स हैं तो उनकी डॉग फाइट के दौरान
या यूं कहें जब उनकी कोई विजुअल रेंज एंगेजमेंट होती है जिसमें दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को विजुअली देख सकते हैं, तो आज के समय के डॉग फाइट में एयरक्राफ्ट की जो टॉप स्पीड है वो उतनी मायने नहीं रखती है जितनी की पहले रखती थी। और उसका सबसे बड़ा कारण है एयर टू एयर मिसाइल्स का विकसित होना, और इसी वजह से आज के समय में एयरक्राफ्ट की स्पीड से ज्यादा मायने रखता है उसका मैनेवरेबिलिटी कैपेबिलिटी, कि वो अपने दुश्मन के कंपैरिजन में कितनी तेजी से टर्न कर सकता है और उसकी तरफ से आने वाली मिसाइल को डॉज कर सकता है। और जिसका एयरक्राफ्ट ज्यादा मैनेवरेबल होगा तो उसके पास एडवांटेज ज्यादा होगा दुश्मन को पहले लॉक करके उस पर पहले फायर करने का। हालांकि डॉग फाइट की जो टिपिकल स्पीड है वो वैरी करती है, लेकिन जो एक ऑप्टिमम टर्न रेट के लिए बेस्ट स्पीड मानी जाती है वो होती है अराउंड मैक 0.7। हालांकि आज के समय में फ्लैंकर जैसे कुछ फाइटर्स भी हैं जो लो स्पीड में भी काफी ज्यादा मैनेवरेबल हैं। हालांकि जब ये फाइटर्स अपनी इस कमाल की मैनेवरेबिलिटी को पेश करते हैं तो उस समय एनर्जी भी काफी ज्यादा रिलीज होती है, और जिस वजह से वो दुश्मन के लिए एक इजी टारगेट भी बन सकते हैं। और कॉम्बैट एंगेजमेंट के दौरान ऐसा बहुत ही रेयर है कि फाइटर्स को अपनी टॉप स्पीड पर जाने की जरूरत भी पड़े। जैसे कि वियतनाम वॉर के दौरान जो F4 फैंटम फाइटर्स थे तो उन्होंने कॉम्बैट के दौरान एक सिंगल बार भी अपनी मैक 2.2 की रफ्तार को नहीं छुआ था। और इससे एक बात समझ में आती है कि अगर आज के समय के फाइटर्स की जो स्पीड है वो पहले वाले फाइटर के कंपैरिजन में कम है तो इसका मतलब ये कि आज के समय में उतनी अधिक स्पीड की जरूरत पड़ती नहीं है। और वैसे भी जब से बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स विकसित हुई हैं कि अगर दुश्मन आपकी विजुअल रेंज से भी बाहर है आप तब भी उसको हिट कर सकते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी ने तो फाइटर्स की क्लोज कॉम्बैट की संभावना को तो वैसे ही और कम कर दिया है। इसके अलावा तीसरा कारण है एफिशिएंसी का। आज की जो अधिकतर मॉडर्न जेट फाइटर्स हैं उनकी जो सबसे एफिशिएंट क्रूजिंग स्पीड मानी जाती है वो होती है सबसोनिक रफ्तार, यानी कि उनकी जो टॉप स्पीड है उसका 50%। अब होता यह है कि अगर आपकी रफ्तार मैक 1 से ज्यादा है और आपको अपने टॉप स्पीड को अचीव करना है तो आपको इस्तेमाल करने होंगे आफ्टर बर्नर्स, जो कि काफी ज्यादा इनएफिशिएंट होते हैं और जिस वजह से फ्यूल का कंजम्पशन काफी बढ़ जाता है। और अगर फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइटर की रेंज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हालांकि आज के समय में ऐसे फाइटर जेट इंजन भी विकसित हो चुके हैं जिनकी मदद से कुछ फाइटर जेट्स बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए सुपरसोनिक रफ्तार को हासिल कर सकते हैं, यानी कि उनके पास सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी रहती है। और भारत का जो डसॉल्ट रफाल है तो उसके पास भी ये सुपर क्रूज वाली कैपेबिलिटी है। बाकी आज के समय में जब फाइटर जेट्स को किसी इंटरसेप्शन रोल में भी इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि वो फाइटर सुपरसोनिक रफ्तार को अचीव करे, क्योंकि सुपरसोनिक रफ्तार में जाने से सोनिक बूम जनरेट होता है जो कि रेजिडेंशियल एरियाज के लिए काफी इनकन्वीनियंस रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप दुश्मन के क्षेत्र के अंदर हो तब आप अपने दुश्मन को जगाने के लिए जरूर ऐसा कर सकते हो, जैसे कि MiG-25 फॉक्सबैट के पायलट ने किया था। वैसे ऑलरेडी इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। और जो ये सोनिक बूम होता है ये कभी कभी इतना पावरफुल होता है कि ये घर की खिड़कियों में लगे ग्लास तक को चटका सकता है। लेकिन कुल मिलाकर इस पॉइंट के कहने का मतलब बस यही है कि एफिशिएंसी इश्यू के कारण भी आज के समय में जो 4 या 4+ जनरेशन के फाइटर्स हैं उनकी स्पीड पहले वाले फाइटर से कंपैरिजन में कम पाई जाती है। इसके बाद जो चौथा कारण है वो है डिफेंस का। शुरुआती दिनों में दुश्मन के फायर से बच निकलने के लिए कुछ फाइटर जेट्स अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते थे एक डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह, और इसके लिए भी आप MiG-25 फॉक्सबैट का एग्जांपल ले सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स जिस MiG-25 को ऑपरेट करती थी उसमें किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं था, बल्कि उसके केवल 2 ही हथियार थे, उसकी टॉप स्पीड और मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर उड़ने की उसकी कैपेबिलिटी। और पहले जब आज के समय के जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स विकसित नहीं हुए थे तब उस समय केवल एक ही टारगेट होता था कि दुश्मन के क्षेत्र में घुसो, उसे हिट करो और तुरंत वहां से भाग निकलो, और तब ऐसे में काम आती थी फाइटर जेट की रफ्तार। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जो एयर डिफेंस बैटरीज थी उनमें अधिकतर गन्स होती थी जो फायर करती थी एयर बस्टिंग शार्पनल राउंड्स। और इसी के चलते कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने जो SR-71 ब्लैकबर्ड को बनाया था जिसकी रफ्तार ही इतनी थी कि कोई भी एयर टू एयर मिसाइल उसे छू भी नहीं सकती थी। और इसी वजह से SR-71 ब्लैकबर्ड, MiG-25 फॉक्सबैट ये जितने भी एयरक्राफ्ट थे तो उस समय इनकी स्पीड मायने रखती थी। लेकिन फिर जब सरफेस टू एयर मिसाइल्स विकसित हुई जो कि मैक 4 से मैक 7 तक की स्पीड तक पहुंचने में सक्षम थी तो ये सारे फाइटर्स जितनी इंपॉर्टेंस पहले रखते थे तो उनकी इंपॉर्टेंस फिर धीरे धीरे कम हो गई। और फिर डिजाइनर्स ने अपने फाइटर्स को ज्यादा तेज बनाने के बजाय उसे ज्यादा मैनेवरेबल कैसे बनाया जाए इस पर ध्यान देना शुरू किया, ताकि अगर कोई मिसाइल उनकी तरफ आ रही है तो वो उसे डॉच कर सके। और इसी वजह से मैनेवरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। फिर हमें Su-27, MiG-29, F-15 जैसे फ्लाइंग फ्यूजलाज डिजाइन देखने को मिले। और फाइटर्स की रफ्तार को ज्यादा ना रखने का फैसला इसलिए भी था क्योंकि अगर आप सुपरसोनिक रफ्तार से जा रहे हैं तो एयरक्राफ्ट का जो हीट सिग्नेचर है वो भी काफी बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड मिसाइल्स के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। मतलब जैसे चुंबक लोहे में चिपकता है तो वैसे ही वो इंफ्रारेड मिसाइल उस हीट सिग्नेचर छोड़ते हुए जाते हुए एयरक्राफ्ट के लिए एक मैग्नेट की तरह होगी। इसके बाद जो अगला कारण है वो है समय के साथ बदलते हुए फाइटर्स की भूमिकाएं। शुरुआती दिनों में रिकॉनसेंस पर्पस के लिए मैन्ड एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि उस समय ड्रोन्स, UAVs इस तरह की टेक्नोलॉजीज विकसित नहीं हुई थी, और इस वजह से भी उस समय फाइटर्स की स्पीड एक क्रिटिकल फैक्टर होती थी। लेकिन फिर जब धीरे धीरे UAVs विकसित हुए, ड्रोन्स विकसित हुए, सैटेलाइट्स विकसित हुई तो रिकॉनसेंस रोल्स के लिए अपने खुद के फाइटर्स को भेजने की जरूरत भी कम पड़ गई। और अब आज के समय में तो रिकॉनसेंस जैसे काम UAVs द्वारा किए जाते हैं।
तो इसलिए अगर कुल मिलाकर इस पूरी वीडियो को एक लाइन में खत्म करना हो तो हम तो यही कहेंगे कि पहले जो फाइटर्स की स्पीड ज्यादा हुआ करती थी तो उस समय स्पीड एक जरूरत थी, एक आवश्यकता थी, लेकिन आज के समय में उसी जरूरत और आवश्यकता को हम दूसरी चीजों के जरिए पूरा कर सकते हैं और उसके लिए हमें फाइटर्स की स्पीड को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और इस पर हम ये कहना चाहेंगे, विद ग्रेट स्पीड कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप ये भी समझ लीजिए कि विद ग्रेट स्पीड कम्स ग्रेट इश्यूज टू। और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो ही रही है तो आप भी कृपया करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि विद ग्रेट लाइक्स कम्स ग्रेट मोटिवेशन। बाकी कोई भी सुझाव सवाल हो तो उसके लिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है ही। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब करने के लिए किसी मुहूर्त का अगर इंतजार कर रहे हैं तो यही वो सही मुहूर्त है इसको सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब जरूर करें। और हम जल्दी मिलेंगे ऐसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।